टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास जिलाध्यक्ष अभिजीत पाठक के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी के तहत 13 क्षेत्रों का निजीकरण की योजना को देश हित में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस बिल्कुल नहीं होने देगी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का हम सभी विरोध करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार एनएमपी वापस नहीं ले लेती। प्रदर्शन के दौरान पीसीसी सदस्य महेंद्र मोहन तिवारी गुड्डू, युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस आदि अंश गांधी, ललित निषाद, मिथिलेश विश्वकर्मा राजू, मनीष गौतम, ऋषि यादव, विख्यात भट्ट, अंशुमन पाठक, सुशांत शर्मा, योगेश प्रताप सिंह, अनिकेत सिंह, विष्णु मोहन सैनी, अहमद अली गुड्डू, कृष्णा शर्मा, दिव्यांशु शुक्ला, याकूब खान, रेहा सहित तमाम युवा कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक ने कहा, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनएमपी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनएमपी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभिजीत पाठक, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस। देखिए, आज हम सभी युवा कांग्रेस एनएसवाई के साथीगण गांधी प्रतिमा के समक्ष एक प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं, जो मौजूदा दौर में कल परसों के अखबारों में आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से सभी देश की जनता को भी पता चला है कि भारत के वित्त मंत्रालय एनएमपी कानून, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू देश की जो 13 अलग अलग संपत्तियां हैं उसको बेचने का एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, जिसका युवक कांग्रेस पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है, विरोध करती है। और ये सरकार अगर एमएनपी कानून जो बना रही है, जो पॉलिसी बना रही है, उसको वापस नहीं लेती है तो युवक कांग्रेस और भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।